यार बेतावली से हम जब आरू वैली की साइड जा रहे थे तो वो मैंने बताया था कि उसका डिस्टेंस अराउंड 18 किलोमीटर था। तो रास्ते में यार इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि हमने वहां से यू टर्न ही ले लिया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यात्रा का टाइम चल रहा है और यहाँ से 1:30 के बाद निकलना अलाउड नहीं रहता। इसलिए हमने सोचा कि यार अभी निकल लेते, नहीं तो अगर वहां अगर फंस गए ना तो फिर रात को स्टे यही करना पड़ जाएगा और फिर हमारी जो अपकमिंग प्लान है सोनमर्ग वाले उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक यार ये बेस्ट डिसीजन था हमारा। तो अब इसके बाद यार हम यहाँ से एक बार क्रॉस करें, देन रास्ते में एप्पल वैली आई थी तो वहाँ थोड़ा रुकेंगे, ट्राई करेंगे, यहाँ की ग्रीन एप्पल्स काफी फेमस हैं, और फिर आगे का फर्दर देखते हैं। कुछ अगर इंटरेस्टिंग चीज मिलती है तो मैं वीडियो में जरूर शो करूंगा। अभी हम पहलगाम से निकल रहे थे तो रास्ते में यहाँ एक सेल्फी पॉइंट था जहाँ पे आई लव पहलगाम लिखा हुआ है, तो हमने पिक्चर क्लिक करने के लिए यहाँ स्टॉप लिया था। तो अब इसके बाद हम सीधे निकलेंगे एप्पल वैली। बाकी इस व्यू पॉइंट से भी, सेल्फी पॉइंट से भी काफी अच्छा व्यू आ रहा है यार चारों तरफ। जब यहाँ रिवर स्ट्रीम बह रही है, 10-15 मिनट एक बार यहाँ जरूर रुके अगर आ रहे हो तो। डेलिशियस कहते हैं इस क्वालिटी को ना, डेलिशियस कहते हैं। अच्छा, ये बहुत स्वीट होता है तो उसी के नाम पे इसको डेलिशियस नाम पड़ा है, और सबसे ज्यादा मार्केट में यही चलता है डेलिशियस ही। तो जैसे यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हो सारा माल, तो कहाँ कहाँ जाता है आपके? एक तो पहले तो हम यही पे सेल करते हैं, तो उसके बाद यहाँ की लोकल मंडी में भी देते हैं। सीजन होता है एक्चुअली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पीक सीजन होता है 4 महीने। हाँ, नवंबर एंड होता है, नवंबर से पहले ही हम उतार लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था, हम हर को एप्पल फार्म में आना था, तो यहाँ रास्ते में हाईवे के पास में एक एप्पल फार्म मिला तो हम यहाँ अंदर आए। तो यहाँ की जो ओनर है उन्होंने बताया कि इनकी जो एप्पल का टाइमिंग होता है वो जैसे सितंबर अक्टूबर के अराउंड हार्वेस्ट होते हैं सारे, और एक एक हाथ से उतारते हैं इन सबको। तो अभी देखते हैं यार थोड़ा बहुत तो फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। काफी अच्छा है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे एप्पल फार्म में आया हूँ। इसका टेस्ट यार इतना ऑथेंटिक है, मतलब इन्होंने बोला कि इसमें इन्होंने कोई शुगर ऐड नहीं करी, फर्स्ट टाइम ऐसे फार्म में आके एप्पल जूस ट्राई करने का। तो अभी एप्पल जूस के साथ यहाँ पे इनका एक बार आउटलेट बन रखा है, वहाँ पे ये एप्पल का मुरब्बा, एप्पल की चटनी, ये सब भी बनाते हैं। तो थोड़ी ये यूनिक चीज थी इसलिए हमने सोचा इनको ले लेते हैं। तो हम सब ने 2-2-3-3 डब्बे लिए इन चीजों के। तो ये भैया का कार्ड है यहाँ पे, आप पहलगाम जब आओगे तो यहीं पे ऑन रोड आपको भैया की स्टोर मिलेगी। भैया आपका नाम बता दो। तसदुक। तो ये इनका कार्ड है, आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट लेके कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनको। बाकी थैंक्स फॉर सर्विस, अच्छा लगा। वैसे कहते हैं कि कश्मीर के बैट काफी फेमस हैं। मेन रीजन ये है कि इनकी यहाँ की जो लकड़ी होती है वैसी लकड़ी कहीं नहीं मिलती जो बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, और यहाँ के जो बैट बनते हैं वो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होते हैं। जो बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी बैट सप्लाई होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कश्मीरी विलो वुड से ही होती है। तो यहाँ पे आप चाहो तो खरीद भी सकते हो, और यहाँ पे आप प्लांट देख सकते हो कि बैट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो वुडन लॉक्स पड़े हुए हैं, जो बैट के लॉक्स होते हैं लकड़ी के। जो इसमें बैट बनते हैं कश्मीर वालों। अच्छा, ये पूरा फिर ऐसे इसके क्लिप्स निकलते हैं। हाँ हाँ। एक साल के लिए मॉइस्चरिंग के लिए धूप में रखना पड़ता है, मॉइस्चरिंग के लिए। बारिश में सब जगह ऐसे ही रहता है? ऐसे ही रहता है। डबल ब्लेड इसकी एज होती है 2.5 इंच की, सिंगल ब्लेड की होती है 1.5 इंच की। अच्छा, इसकी आप देख सकते हो कैसे इसकी कटिंग इस पे होती है आरा पे। अच्छा, आरा मशीन पे। आरा पे उसके बाद इस पे वी शेप निकलती है वाली मशीन। तो इसका जो हैंडल होता है वो अलग बनता है? हाँ, एक तो ये होता है सिंपल हैंडल होता है। अच्छा, एक तो होता है फ्लेक्सिबल, वो लेदर में सीजन में रहता है।
जो भी कश्मीरी विलो से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो इसी रीजन में होती है, क्योंकि इसी रीजन में ये पेड़ वहाँ उगते हैं और उसको 15 साल लगते हैं उगने में, उसके बाद ही कटिंग होती है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, 1 साल तक मॉइस्चर दिया जाता है, बारिश सर्दी पानी जो भी होती है उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू होती है। तो अभी निकलते हैं सीधे पैम्पोर में, जहाँ पे केसर का हब है अपने इंडिया का, तो कुछ ही दूर है यहाँ से, अब सीधा नेक्स्ट स्टॉप हमारा वही होने वाला है। तो काफी अच्छी सर्विस थी यार यहाँ पे बैठ, अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ आके ले सकते हो। तो अभी हमें सैफरॉन देखना था हमारे को, तो हम लेथपुरा एक जगह है यहाँ पे पैम्पोर से थोड़ा पहले, तो यहाँ पे जमीदार सैफरॉन ट्रेडिंग कंपनी नाम से शॉप है, तो अब यहीं पे चेक करते हैं, थोड़ा जानते हैं सैफरॉन क्या क्या तरीके के होते हैं और कैसे क्या उगाया जाता है, और बाकी जो भी रेट लिस्ट है और क्वालिटी किस अकॉर्डिंग देखी जाती है वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर करूँगा आपको। भाई बोल रहा है ना जमींदार जाफरान ट्रेडर, देखो ये केसर है, ये देखो उसको पानी में डालूंगा, असली तो केसर आहिस्ता ऐसा कलर छोड़ता है, जो तुरंत छोड़ेगा ना उसमें दिया हुआ है, ये देखो इसको हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कलर ये पीला छोड़ेगा, ये देखो हम इस पानी को डाल देंगे इस पर, हो गया ना हल्दी कलर। आप इसको एक काम करो, इसको आपने उंगली से घिसो इस तरह, रगड़ने घिसने से पट्टी खत्म नहीं होनी चाहिए, अगर ये पट्टी खत्म हो गया कुछ नहीं रहा हाथ में, बाद में रेड कलर आया वो डुप्लीकेट होता है। रेट क्या है अभी वैसे? केसर का रेट है 250 रुपीज ग्राम चल रहा है, आपको लेस करके आपको 200 रुपीज पर ग्राम पड़ेगा। ये है लेटेस्ट रिपोर्ट सलाजीत का, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा उनको भी आप कॉल कर सकते हैं, उसने काम क्यों नहीं किया। यह है केसर, इसमें 3 निकलता ओरिजिनल, 3 निकलता डुप्लीकेट। अच्छा, इसलिए डाल शिकारे हाउस बोर्ड पहलगाम पटना जम्मू में उसको कलर करते हैं। अच्छा, कलर 50 रुपये 100 रुपये ग्राम देते हैं, ओरिजिनल निकलता है। ये बीच होता है उसका, बीच 18 अक्टूबर से ऐसे जड़ निकालेगा, फिर ऊपर से घास निकलेगा, पहले अगर घास नहीं निकलेगा फूल, ये छोटा छोटा फूल भी निकलता है, सफेद व्हाइट वाला होता है पहले, फिर उसको ये बनता है, फिर उसको काटते हैं। ये 10,000 फूल में से 10 ग्राम निकलता है, बस 1 ग्राम फूल में से 1,000 फूल में से 1 ग्राम जमा होता है, 1,000 फूल में से 1 ग्राम, या ऐसे ऐसे 1,000 फूल जब जमा टोकरी में हो गया, 1,000 एक ग्राम निकालने के लिए कितना टाइम लगता है? जब फूल की टोकरी होता है ना उसमें 10,000-50,000 फूल होते हैं, मतलब 5-10 बंदे बैठते हैं, उसको लगता है 1 घंटा, मतलब तो एक एक हाथ से निकालते हैं सब, ना 2 हाथों में से इसको, ये निकालते अलग, ये निकालते अलग, ये निकालते अलग। अच्छा, इसीलिए इतना महंगा है, फिर मेहनत ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे शॉप पे आपको डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स, डिफरेंट तरह की बेरीज और जो भी केसर की वैरायटीज होती है उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, हनी होती है, वो आपको एकदम प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। और इन्होंने मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज बताई कि 1,000 फूल्स होते हैं ना केसर के, उसमें से केवल 1 ग्राम केसर निकलता है, तो सोच लीजिए 1,000 फूलों में से केवल 1 ग्राम, इसलिए इतना महंगा है। वैसे इसकी आइडियल रेट अभी 250 पर ग्राम चल रही है, तो देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए किलो हो गया, अराउंड 2 लाख मान लीजिए अगर आप बल्क में लेते हैं तो। और अभी मैंने अंकल जो स्टोर के ओनर है उनसे पूछा कि हम क्या केसर के फील्ड्स देख सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पास में कुछ एड्रेस बताया, तो देखते हैं एक बार यार कैसा क्या वहाँ पे उगाते हैं इनको, कैसे कितना बड़ा फील्ड होता है, क्योंकि मैं भी यार ताजुब कर रहा हूँ कि 1,000 फूल मतलब कितने बड़े एरिया में उगाएंगे, तो देखते हैं एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यार यहाँ पे गार्डन्स के पास में हमने रोका है, पर समझ में नहीं आ रहा इनमें से केसर का पेड़ कौन सा है, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, अब इनमें से पता नहीं कौन सा झाड़ियाँ हैं कौन सा केसर है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन भी क्या दूँ, मैं वो खुद को ही पता नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड है नहीं ना हमारे साथ में, कह दिए ये कम्प्लीट यहाँ पे जो भी है।